हेलो एवरीवन, आज फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम अम्ब्रेला लॉन्ग कुर्ता साइड जिप की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए, ये हमारे पास साड़ी का कपड़ा है। ये 5 मीटर की साड़ी है और ये 2 मीटर अस्तर का कपड़ा है। इसमें साड़ी में कितना हम यूज करेंगे, इसकी मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी। और 5 मीटर अभी मेरे पास ये अवेलेबल है। और इस साड़ी से हम लॉन्ग कुर्ता अम्ब्रेला कट बनाएंगे और इसकी साइड में हम जिप लगाएंगे। इसका नेप है, हमारे पास सीना है 36, कमर है 29 और लेंथ है 38। अगर आप इस नेप की बनाना चाहे तो इस कुर्ते के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी और इसके बाद आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। और जो पहली कटिंग हम करेंगे वो इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर पे कटिंग करके और इसके बाद हम इसको साड़ी पे रख के और बराबर कटिंग करेंगे। तो आइए इसकी कटिंग। सबसे पहले हम ऊपर वाले और जो अम्ब्रेला घेर में जुड़ने वाला हमारा बेल्ट होता है, जो ऊपर का टॉप होता है, उसकी कटिंग करते हैं। इसकी हम लेंथ लेंगे 14 इंचेस। टोटल हमारी लेंथ है 38। 14 इंच का हम ऊपर की कटिंग करेंगे और 25 नीचे का अम्ब्रेला कट घेर होगा। तो इसको हमने 14 इंच पे मार्किंग करना है। सबसे पहले ऊपर का जो टॉप ज्वाइंट करेंगे हम, इसमें यहां से हम कमर का निशान साथ में लगा लेते हैं। कमर है 29, चौथा भाग 7.25, आधा इंच एक्स्ट्रा 0.8 और 1 इंच मार्जिन। इसमें हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लगा रहे हैं। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, 36 के अकॉर्डिंग 7 इंच शोल्डर लेते हैं। यहां से भी देखिए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको हम इस प्रकार से फिर 7 इंच नीचे आर्म होल का। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं चेस्ट में, 9.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन। ये लगभग पूरा ही है। तो इसको हम, जो हमारी सिलाई की लाइन है इसको हम इसमें मिलाएंगे और जो ये मार्जिन की लाइन है इसको इसमें मिलाएंगे। तो ये हमारी कमर का नाप हो गया 9.5 और सीने का नाप हो गया 9.5 और कमर का नाप हो गया है 8 इंच। एक एक इंच का मार्जिन लिया है। नेक में आते हैं। नेक को लेंगे 3 इंच चौड़ाई में, 4.5 इंच गहराई में, 3 इंच चौड़ाई में, 4.5 इंच गहराई में। नेक को हम थोड़ा सा इस प्रकार से लेंगे। इस प्रकार से हमारा नेक होगा। ये हमारा आगे का है और जो बेक साइड का है इसको हम लेंगे 1.5 इंच। तो ये हमारा बेक साइड का नेक है, ये हमारा फ्रंट का नेक है और ये हमारी बाजू है। बाजू को हम आगे की बाजू में 1/2 इंच का शेप लगाएंगे, बेक साइड के बाजू में 1/2 इंच का और शेप लगाएंगे। ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच का शेप लगाएंगे नेक से बाजू की तरफ। ये देखिए, ये 1/2 इंच हो गया है नेक बाजू में और नेक में बिंदु से 1/2 इंच तक ये शेप लगता है, ताकि जो हमारे शोल्डर है फिटिंग रहे, गिरे नहीं। बैक साइड के नेक से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा देखिए बैक साइड का नेक है और इसको हमने इसे कटिंग कर लिया है। फ्रंट के नेक को 2 पार्ट में कटिंग करेंगे। ये अभी चारों पार्ट एक साथ में है और ये हमारी हो गई है बैक साइड के बाजू। इसमें हम साइड जिप लगाएंगे। ये जो साइड है, एक साइड में हम जिप लगाएंगे और ये हमारी ऊपर का जो है पार्ट वो कटिंग हो चुका है। ये सिलाई की लाइन है आगे की 2 बाजू के लिए। देखिए 2 पार्ट बैक साइड के हैं, उनको निकाल देंगे और जो 2 पार्ट आगे के हैं, एक पार्ट उसको हम रख लेते हैं। आगे के पार्ट्स में हल्का सा शेप लगाएंगे बाजू में और जो आगे का नेक है उसको भी हम कटिंग करेंगे।
जैसे हमने नेक की कटिंग की है वैसे अस्तर पे, वैसे ही हम साड़ी के कपड़े पे अब इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स साड़ी की पीस पे रख लिए हैं और बराबर में कटिंग करना है। ये हमारे आगे का पार्ट्स है और ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है और इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। और ये हमने आगे पीछे के ऊपर के पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। कमर है हमारी 29 और 29 के अकॉर्डिंग इसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच और हम ले रहे हैं 7.5 इंच और वो है सिलाई का एक्स्ट्रा। तो ये हमारी कमर का मार्किंग हो गया, ये जो आधा इंच है वो सिलाई का है और यहाँ तक हमने इसको 7.5 इंच ले लिया है। नीचे हमें कितना लेना है गेयर को, टोटल हमारी लेंथ है 38 इंच, तो 14 इंच का हमारा ऊपर का टॉप चला गया है, 24 इंच हमें लेना है इसमें 24। और इसी प्रकार से हम 24 पे वहाँ तक मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी 24 और यहाँ से भी 24 और यहाँ से भी हम 24 और यहाँ से भी हम 24 और इस प्रकार इसको मार्किंग करते हैं। और ये हमने अम्ब्रेला कट स्कर्ट के लिए जॉइंट करने वाले घेर के लिए तो 24 इंच देखिए इस प्रकार से मार्किंग करके और बराबर कर लिया है। ये जो यहाँ कम है इस पर हम ये कपड़ा यहाँ लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। 24 इंच का है देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 24, यहाँ से यहाँ तक 24 और यहाँ से यहाँ तक 24 और मतलब टोटल जो है राउंड है वो 24 इंच का है। और जहाँ सिंगल है उसको हम जॉइंट लगाएंगे, तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। ये अस्तर का है और इसी को रख करके हम ऊपर का कपड़ा साड़ी पे कटिंग करेंगे। और देखिए नीचे का जो पार्ट्स कम है उसको हम ऐसे रखेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से निकाल करके उसको ऐसे रखेंगे और ये जॉइंट लगा करके, और जो ये एक्स्ट्रा है देखिए इसमें हमने जॉइंट लगा लिया है और इसमें हम जॉइंट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा उसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, ऊपर के जो कमर का पार्ट्स है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अलग हो चुका है, यहाँ हमें जॉइंट लगाना है और इस प्रकार से जॉइंट लगाना है। ये देखिए एक साइड में हमने जॉइंट लगा लिया है और अब जो ये कमर में हमने मार्किंग किया हुआ है इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं और इसके बाद में जो साड़ी का कपड़ा है बराबर में हम उसकी इस पार्ट को रख करके और कटिंग कर सकते हैं। तो आप भी अपनी पुरानी साड़ियों को इस प्रकार से यूज में ले सकते हैं, ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। ये साड़ी की पल्लू का पार्ट्स है और इस पे इसको थोड़ा सा तिरछा कर लिया हमने और ये जो पल्लू का पार्ट्स है ये देखिए ये पल्लू है और इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर लिया है। और अब हम इसको एक पार्ट्स कटिंग करेंगे, ये आगे का पार्ट्स रखेंगे और इसके बाद में जो साइड में निकालेंगे उसको बैक साइड का करेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट्स है, जैसे हमने रखा है वैसे भी बिल्कुल बराबर बराबर में और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने ये एक पार्ट रखा है और इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये एक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है और ऐसा ही हम दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे। ये अस्तर के पार्ट्स हैं और ये साड़ी के पार्ट्स हैं, बराबर बराबर जैसे अस्तर के कटिंग किए ना आपके वैसे ही साड़ी के पार्ट्स को हमने कटिंग कर लिया है। और अब अगली वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर इसकी स्टिचिंग होगी। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।